नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आज़ाद नगर मेले में हूँ और आपको पता ही है कि यहाँ पर हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी विशाल मेले का आयोजन हुआ है और यहाँ पर भक्तगण आते हैं। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर भक्तगण आ रहे हैं और प्रसाद चढ़ा रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं को लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर गोगा मैंडी का मेला का आयोजन किया जा रहा है। अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद है, अरविंद कश्यप जी। क्या मान्यता है, मैंने अभी आपसे कहा भी था कि क्या मान्यता है, उनसे पूछेंगे। और एक बात वो आपको मैं बता दूं, राजस्थान से लेके और देश के अन्य कोने तक गोगा जी जहरवीर पूजे जाते हैं। क्यों पूजे जाते हैं, और शेषनाग का अवतार भी वो माने जाते हैं। क्या अध्यक्ष जी क्या कहेंगे मेले के आयोजन को लेकर, आपकी पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है, कैसा देखने को मिल रहा है कि अब की बार बढ़ रहा है या घट रहा है, कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, हम 2 बजे यहाँ पर छड़ी लेकर आ रखे थे, इससे पहले सुबह 7 बजे से ही पूरा रस पूरी भीड़ चल रही है यहाँ पर। और जो हमारी नई पूरी टीम है, इसमें हमारे सभी साथी हैं, हमारे सुरेंद्र जी हैं, राकेश जी हैं, विपिन भाई हैं, राजीव हैं, महेंद्र जी हैं और जितनी राकेश जी हैं, ये तो हमारे पूरे ऐसे भगत हैं जो वहाँ पर छड़ी लेके जाते हैं। क्योंकि मेन मेला जो है बागड़ में, राजस्थान में पड़ता है। हम रक्षाबंधन वाले दिन अपनी छड़ी बागड़ जो बड़ा नेजा है वो वहाँ पर भेजते हैं। 3 दिन के लिए वहाँ पर छड़ी जाती है, वहाँ से सलामी देकर सब यहाँ पर आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर पूरे बाज़ार में ये अपने नगर में छड़ी घूमती है। और ये जो मेला है, ये हमारे बहुत पुराने टाइम से चला रहा है, हमारे दादाजी के टाइम से, मेरे ख्याल 100 साल से पहले ही हो गया। जहरवीर जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है, क्या कहेंगे, क्या मान्यताएं हैं इनकी? मान्यता बहुत ही, मैं कह नहीं सकता अपने शब्दों में, क्योंकि जब भी कोई सच्चे दिल से कोई मांगता है तो उसकी मुराद ज़रूर पूरी करते हैं। नीले घोड़े वाले हैं, बागड़ वाले, जो भी किसी के यहाँ कोई बालक या शिशु नहीं हो रहा, उसकी मन्नत मांग लो तो वो भी होगा। ऐसे शादी का है, कहीं शादी लेट हो रही है तो इनके पास बहुत ही मानता है इनकी, और हर धर्म के मानते हैं इसको। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सरदार भी आते हैं, मोमडन भी आते हैं, जितना समाज है, कश्यप समाज तो क्या ही हमारा, वाल्मीकि समाज और यादव समाज, सैनी समाज, हर कोई परिवार इसको मानता है। तो क्या कहेंगे, जैसे ढोल नगाड़ों के साथ पूजन चल रहा है, यहाँ पर भक्तगण आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, क्या उनकी मनोकामना भी पूरी होगी? बिल्कुल पूरी होगी। आज सुबह से विशाल ऑटो वाले हैं, उन्होंने 4 टीन देसी घी का हलवा बटवाया है, बहुत बड़ा भंडारा करा है, और उनका सहयोग हमें बार बार मिला है। मैं उनके बारे में कह नहीं सकता, उन्होंने हमें बहुत, बस वो ये नहीं कहते मेरे बारे में कुछ बताइए ना। एक बार नीले घोड़े वाले की, बगड़ वाले की जेल का जयकारा कर दीजिए। बिल्कुल, जय जय जहरवीर गोगा जी महाराज की। मैं तो पहले तो अपने नीले घोड़े वाले के चरणों में प्रणाम करता हूँ, और जैसे कि आपने अभी अध्यक्ष जी से पूछा, ये इतनी श्रद्धालु आ रहे हैं, इनकी मनोकामना पूरी होगी, हम कहते हैं इनकी मनोकामना पूरी हो रही है और आगे भी होएगी, इसलिए श्रद्धालु का ये इतना बड़ा झुंड, अभी थोड़ी देर में और भीड़ बढ़ने वाली है यहाँ पर, इतने श्रद्धालु आते हैं दिल से प्रसाद चढ़ाते हैं। ये नहीं है कि ना हम भीड़ में आगे, मेले में आगे, नहीं, सिर्फ प्रसाद। आपकी पूरी टीम सुबह से यहाँ पर लगी, कल से यहाँ पर लगी हुई है, क्या देखने को मिल रहा है? कल से नहीं, हम जो है करीब हम 15 दिन से यहाँ पे मंदिर में कार्य में लगे हुए हैं। जो हमारे कार्य रुके हुए थे, हमारे अध्यक्ष जी ने पूरे कराए हैं सारे,
भगवान इनको भी पूरी शक्ति दे कि आगे के लिए और भव्य मंदिर बने, और जो है हमारी मनोकामना है, हम भी इस तरह सेवा में लगे रहें गुरु जी की। तो दोस्तों टीम का काम है, और इस बार हमारे साथ नए बच्चे बहुत जुड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे। एक हमने अपना ड्रेस कोड बनवाया है, इससे लगता है उनके मन में भी यह है कि भाई हम इस संस्था से बंधे हुए हैं। और आप देखो छोटे छोटे बड़े बड़े पूरे मन से काम कर रहे हैं, और आप देख रहे हो कितनी भीड़ है यहाँ पर। आपको बता दूँ रुड़की के फेमस दाल छोले वाले जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछूंगा कि यहाँ पर वो भी आए हैं अपनी सेवाएं देते हैं, क्या कहेंगे आप तो वैसे ही प्रसिद्ध हैं। मैं सुरेंद्र कश्यप, इस संस्था का एक सीनियर मेंबर हूँ। ये काफ़ी समय तक मेरे हाथों में भी रहा, मैं इस संस्था का मंत्री कह सकते हैं या और कुछ कह सकते हैं, मेरे हाथों में रहा है ये काम। ये जब ऐसा नहीं था, यहाँ तालाब हुआ करता था और पैर रखने की जगह नहीं होती थी मेले के अंदर आने के लिए लोगों को। और क्या बताऊँ आपसे, मैं जितना इस मेले के बारे में कहा जाए उतना ही थोड़ा है। देखिए तमाम लोग यहाँ पर पूजन कर रहे हैं, और टीम साथ दे रही है उनका, यहाँ की जो व्यवस्था है वो संभाल रही है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर निशान चढ़ाए जा रहे हैं। अमन जी दिखा दीजिए जरा, ऐसे ही यहाँ पर निशान चढ़ाए जा रहे हैं। और जो कुंदन स्वीट्स के ओनर है वो यहाँ पर बैठे हैं, वो सभी को प्रसाद वितरित कर रहे हैं, और आप पेप्सी पी रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि भक्तगण यहाँ पर किस तरह पूजन कर रहे हैं। आप देखिए इधर, देखिए यहाँ पर कैसे यहाँ पर प्रसाद वितरित हो रहा है। ये सब टीम है, ये टीम कई दिनों से लगभग यहाँ पर काम कर रही है, क्या कहेंगे आप? क्या बिल्कुल अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिएगा आप एक घंटे बाद क्या होता है। देखिए भैया अभी तो शुरुआत है, आगे देखिएगा क्या होगा। और हमारे नीले घोड़े वाले चारवीर बाबा जी सबका भला करें, हम तो ये चाहते हैं सबको आशीर्वाद दें। बच्चे भी आए हुए हैं, क्या कहेंगे, क्या क्या मांगा है आपने बच्चों के लिए? बस मन्नत मांगे कि अच्छे से रहे, बस मतलब बड़े हो जाए, अच्छे अफसर बन जाए। हाँ भगवान, भगवान का यही आशीर्वाद चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर अपने बच्चों को अफसर बनता कौन नहीं देखना चाहता, लेकिन जो यहाँ पर मान्यता, मैं आपको बता दूँ जो यहाँ पर आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। नितिन कुमार उड़की, कथावाचक ज्योतिषाचार्य पंडित रंजीत शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है, वो भी गोगा मैडी पर पहुंचे हैं जहाँ पर भव्य मेला भरा हुआ है, क्या कहेंगे सर? मैं समिति के पदाधिकारियों का, भाई अरविंद कश्यप जी, भाई अरुण कश्यप जी, राकेश कश्यप जी, ऋषु कश्यप जी, और सभी जितने भी इस समिति से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट इनका रहता है, तो मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जहारवीर गोगा जी जो कि हमारे बहुत ही पूजनीय हैं, जिन्हें भूमिया के रूप में और अपने परंपराओं के अनुसार पूरे समाज में इनकी पूजा प्रतिष्ठा होती है, और पूरे घर परिवार में सबके पूरे देश में प्रदेश में शांति बनी रहे, इसी कामना और भावना के साथ मेरा भी यहाँ आगमन हुआ है। तो मैं पूरे देश प्रदेश के लिए शांति की कामना करता हूँ, और ये जो हमारे भूमिया देवता हैं जहारवीर गोगा जी, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, और बहुत अच्छा मैनेजमेंट व्यवस्था यहाँ मेले की रहती है। तो मैं समिति के सारे पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो देखिए दोस्तों तमाम भक्त यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने आ रहे हैं, अपनी मनोकामनाओं को लेकर आ रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो मेला है ये बहुत ही विशाल मेला यहाँ पर भरता है, और गोगा मैडी पर लोग प्रसाद चढ़ाकर छड़ी चढ़ाकर अपनी मनोकामनाओं को मांगते हैं, और जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो राजस्थान तक